नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से टॉप 45 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का दो पार्ट वीडियो लाएंगे। पहला पार्ट में सल्तनत काल का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों अगले पार्ट में मुगल वंश का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सल्तनत काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उतबी। अगला सवाल है दोस्तों, शाहनामा के लेखक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अगला सवाल है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अगला सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। और दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय प्राप्त हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दोस्तों, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख भक्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन ए, बलबन। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया है। अगला सवाल है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। अगला सवाल है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला सवाल है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला सवाल है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोजा शाह तुगलक। फिरोजा शाह तुगलक के सुल्तान में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जज्जा लगाया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजा शाह तुगलक। दिल्ली के
सुल्तान फिरोजा शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। अगला सवाल है, फिरोजा शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोजा शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल। अगला सवाल है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खतौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली का युद्ध में परास्त किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। अब कब किया था दोस्तों, तो 1504 ईस्वी में। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर और बुका ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका ने की थी। और दोस्तों कब किया था, तो 1336 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला सवाल है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1565। अगला सवाल है, भारत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। भारत के इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने चांदी का टका और तांबे का जीतल दो प्रमुख सिक्का चलाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल दो प्रमुख सिक्का चलाया था। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोजा शाह तुगलक। फिरोजा शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था। अगला सवाल है, किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलबरूनी। किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी था। अगला सवाल है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटियाली में। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अगला सवाल है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। अगला सवाल है, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जौनपुर। जौनपुर स्थानों को भारत का सिराज कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत का सिराज किस स्थान को कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद का है। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कबीर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर। अगला सवाल है, कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ननकाना, जो तलवंडी में पड़ता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास। अगला सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। अगला सवाल है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। अगला सवाल है, किसे भारत का सादी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर हसन। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ख्वाजा उस्तान हरूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757-1 में दिया गया, तो 1757 हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसको याद रखना भी है। अगला सवाल है, किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलबन। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, मुगल वंश का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।